हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लैरिंग कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं फ्लूड प्रेशर के बारे में कि फ्लूड के अंदर प्रेशर की जो हम बात करते हैं कि सो एंड सो पासकल है वो प्रेशर किस वजह से होता है क्या है और दूसरा कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि गेज प्रेशर क्या है वैक्यूम प्रेशर क्या है एप्सुलर प्रेशर क्या है तो बहुत लोग मिथ में भी रहते हैं फर्स्ट ईयर से तो आज ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हो सॉल्व होने वाले इस लेक्चर के अंदर इमेजिन करिए मेरे पास बक्सा है जिसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है फ्लूड भरा है मतलब ये है कि उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं अब ये जो मोलिकल्स रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे गेज लगा देता हूँ प्रेशर गेज तो मुझे कुछ प्रेशर दिखाएगा मान लीजिए कि प्रेशर मेरे को कुछ दिखाएगा समथिंग पी तो ये प्रेशर क्या है ये प्रेशर की वैल्यू दिखा रहा है वो है बेसिकली क्या मोलिकुलर लेवल पर क्या है ये ये और कुछ नहीं है क्योंकि मोलैकुलर जो कोलिजन्स के कारण या मूवमेंट के कारण कोलैड करता है इनकी सरफेस के ऊपर तो उसका नेट फोर्स है कोलिजन का एवरेज फोर्स है पर यूनिट एरिया और कुछ नहीं है तो प्रेशर को अगर हम देखें तो क्या है द प्रेशर इन अ फ्लूड कोई भी पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे आपने माउंट किया तो यहाँ का वो इम्पैक्ट फोर्स है मोलैकुलर कोलिजन के कारण पर यूनिट एरिया तो प्रेशर इन अ फ्लूड एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट क्या दिखाता है वो रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट फोर्स ऑन दैट सरफेस ड्यू टू मोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट एरिया आपने इस गेज को यहां पे लगाया होगा तो इस सरफेस का इंपैक्ट फोर्स दिखाएगा पर यूनिट एरिया आपने नीचे लगाया होगा तो वहां पे दिखाया बट इंपैक्ट फोर्स किसका मॉलिक्यूलर कोलिश का और कुछ नहीं तो प्रेशर जिसके कारण है ठीक है द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज वी ऑल नो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कि एक मीटर स्क्वायर में कितना का इंपैक्ट फोर्स लग रहा है एरिया में ठीक है एट द पासकल है अब क्या कभी प्रेशर जीरो हो सकता है जीरो पासकल से कि प्रेशर कभी भी फील्ड का जीरो हो सकता है ये एक्चुअल प्रेशर की बात कर रहे हैं यस जीरो होगा इसका मीनिंग क्या है जीरो होना मतलब क्या इंपैक्ट फोर्स जीरो होना मतलब कि कोलिजन का फोर्स जीरो होना तो कोलिजन का फोर्स जीरो तभी होगा जब कोई मोलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होगा पूरा अगर एब्सोल्यूट वैक्यूम हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा जीरो प्रेशर ठीक है अदरवाइज नहीं आएगा अब हम लोग जो जनरली एटमोसफियर में देखते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर उसको कई बार लोग जीरो पास्कल भी मान के चलते हैं तो एटमोस्फेयर में तो एक लेयर है एयर का एटमोस्फेरिक एयर का आप देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर एक पूरी बाउंड्री है पूरी एक लेयर है एटमोस्फियरिक एयर की जिसके कारण अभी एटमोस्फेरिक प्रेशर हम लोग फील करते हैं राइट इसकी वैल्यू क्या है तो ये अगर जूम करेंगे तो ये भी कुछ एयर मॉलिक्यूल्स ही है रैंडमली मूविंग और इसका मोमेंटम अगर आप देखेंगे इसका इंपैक्ट फोर्स तो वैल्यू आ रही है वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल मीन सी लेवल पे जो जनरली लोग यूज करते हैं कि वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल इजम मीन सी लेवल पे आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये ठीक है तो अब जीरो पास्कल क्यों लेते हैं जन कहीं एग्जाम्पल में आपने यूज भी किया आगे जाकर के फिर पास्ट में आपने फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में राइट तो देखते हैं कि ये क्यों करते हैं तो आज कुछ मीत तोड़ते हैं पहले ये जो वन जीरो वन, है, अगर मैं पे एक जीरो पासकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन कहां पर आएगा मान लीजिए कि वर्टिकल एक्सिस पे आपका प्रेशर का वैल्यू है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर मान लो कुछ यहीं पे आता है कहीं पे तो ये जो लेंथ है वो कितना है वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल इसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आपको मेरे पास ये हवा चेक करने का जो हम लोग बाइक में यूज़ करने का एक प्रेशर गेज है हम लोग जब बाइक में अपने टू व्हीलर में जब हवा भरते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें कुछ चेक करते हैं कि बाइक में हवा बराबर है कि नहीं है तो वो जो गेज लगता है तो उसको बोलते हैं कि भाई जो जो आपका थर्टी फाइव टू फोर्टी वैल्यू आता है तो आपका बराबर है तो थर्टी फाइव फोर्टी क्या है बाइक वाले गेज के अंदर थर्टी और फोर्टी जो है वो पी एस आई में है दैट इज पाउंड पर स्क्वायर इंच का यूनिट है तो इसका कन्वर्जन कुछ पास्कल में जब करेंगे तो कितना होगा टू सेवन फाइव सेवन नाइन जीरो पासकल प्रेशर तो ये टू सेवन फाइव सेवन नाइन जीरो पासकल प्रेशर है इसका हवा का कहाँ पर जब ये ट्यूब में भरी हुई है तब की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब अगर आप गौर से देखेंगे इसको अगर निकाल दो तो प्रेशर क्या रीड करेगा गेज जीरो पी एस आई रीड करेगा अब ये रीड क्या कर रहा है यहां पर जो प्रेशर है वो रीड कर रहा है ना इस इस कनेक्शन पे यहां जितना प्रेशर होगा वो रीड कर रहा है बट ये तो अभी भी हवा में खुला है एटमोस्फेरिक एयर में तो ये वैल्यू जो है वो एटमोस्फेयर का प्रेशर दिखाना चाहिए ना तो ये गेज है वो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है कि एटमोस्फियर को जीरो रीड करे और जब उसके ऊपर लगा है तो जो फोर्टी रहा है ना वो फोर्टी क्या पता है एटमोस्फियर से फोर्टी पी एस आई ऊपर है प्रेशर तो जो ट्यूब का प्रेशर जो है ना वो क्या है प्रेशर इन ट्यूब इट इज एटमोस्फियर अगर यहां पर है तो यहां से टू सेवन फाइव सेवन एन जीरो पासकल जो दिख रहा है वो इसके ऊपर जाना है तो ट्यूब का प्रेशर आपका ये वाला है तो ये जो हम रीड करते हैं वो क्या है ओवर एंड अबो एटमोस्फियर तो इसी चीज को अगर मैं यहां से रीड करूं एप्सिल्यूट जीरो से तो कितना होगा अगर मैं इसको एप्सेल्यूट जीरो से रीड करूं तो आई थिंक इट कुड गो अराउंड थ्री सेवन सेवन वन वन फाई पासकल ये क्या हो जाएगा दिस इज दिस वैल्यू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी तो कोई मुझे पूछता है कि भाई ट्यूब का प्रेशर कितना था ट्यूब के अंदर जो हवा है उसका प्रेशर कितना है तो मैं क्लियरली बोल दूंगा प्रेशर है 275, पास्कल या है थ्री सेवन सेवन वन वन फाइव पासकल कौन सा वैल्यू सही है कायदे से दोनों वैल्यू सही है बट आपको उसमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई जब टू सेवन फाइव सेवन वन जीरो बोल रहा हूं तो इट इज मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेवल कि टू सेवन फाइव सेवन एन जीरो एटमोस्फियर से अधिक या ज्यादा जब मैं थ्री सेवन सेवन वन वन फाइव बोल रहा हूं तो मुझे कहना है कि मैंने ये मेजर किया हुआ एब्सोल्यूट जीरो से तो ये दो वैल्यूज दो नंबर्स एक ही प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए और यही रीजन डिफरेंस है दोनों में आपका गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में देखते हैं क्या है तो इसको आप बोलते हो गेज प्रेशर कि जब भी आपने प्रेशर मेजर किया एटमोसफियर को रेफरेंस मानते हुए तो एटमोसफियर से ऊपर कितना है वो दिखाएगा गेज प्रेशर ठीक है और ये जो वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट जीरो से तो कोई भी चीज़ का प्रेशर अगर आपने जीरो पास्कल से मेजर किया है तो वो है एब्सोल्यूट और कोई भी चीज़ का प्रेशर आपने अगर एटमोस्फियर को जीरो मानते हुए मेजर किया है तो वह आपका गेज क्लियर तो ट्यूब का प्रेशर क्या है हम कह सकते हैं कि इट इज़ टू सेवन फाइव सेवन नाइन जीरो पासकल बट ब्रैकेट में लिखो गेज हमेशा लिखना बहुत जरूरी है क्लैरिटी के लिए और कोई लिखता है कि ट्यूब का प्रेशर आपका थ्री सेवन सेवन वन वन फाइव पासकल है बट ब्रैकेट में लिखो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है जीरो एब्सोल्यूट से मेजर किया हुआ है गेज का मीनिंग क्या है आपने एटमोस है दोनों वही सेम चीज़ सेम प्रेशर है कोई अंतर नहीं है बट इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है तो अगर मान लो मेरे पास एक किसी ने बोल दिया कि मेरे पास पानी का पाइप है और उसमें प्रेशर मेरा निकला थाउजेंड पासकल तो इससे ऐसे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा आपको सामने वाले को पूछना है कि भाई थाउजेंड पासकल तू जो कह रहा है क्या वो गेज की बात कर रहा है कि एप्सुलूट की बात कर रहा है तब बंदा बोलेगा नहीं मैं गेज की बात कर रहा हूँ तो जब गेज की बात कर रहे हो तो ये क्या मतलब है इसका कि पानी का प्रेशर एटमोसफियर प्रेशर से थाउजेंड पासकल ज़्यादा है ठीक है तो गेज प्रेशर आपका थाउजेंड पासकल हो गया उसमें अगर यहां पर मेजर करना है तो थाउजेंड अबो तो ये कहां जाएगा लगभग यहां पे आएगा तो प्रेशर ऑफ वाटर विल बी थाउजेंड पास्कल गेज अगर है तो गेज प्रेशर कहां तो से करता है एटमोस्फेयर से मेजर करता है ना तो इसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या होगा एटमोस्फेयरिक का प्रेशर प्लस गेज प्रेशर वो मिल जाएगा आपका टोटल ऑलमोस्ट एटमोस्फेयरिक प्लस गेज दैट इज वन जीरो वन थ्री टू फाइव प्लस थाउजेंड तो यह आएगा आपका लगभग वन जीरो टू थ्री टू फाइव पासकल तो ये आपका कन्वर्जन है इसको याद रखना है जब भी आपको गेज में दिया हुआ है आपको एप्सोल्यूट चाहिए तो एटमोस्फियर प्लस गेज कर दोगे तो एप्सोल्यूट मिल जाएगा अगर एप्सोल्यूट दिया हुआ है और गेज चाहिए तो एप्सोल्यूट में से आप एटमोस्फेयर को माइनस कर दो तो एप्सोल्यूट में से एटमोस्फियर को माइनस कर दोगे तो आपको गेज मिल जाएगा दिस इज द कन्वर्जन अभी आई होप कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेज प्रेशर हमेशा एटमोस्फेयरिक प्रेशर से मेजर करता है ठीक है एटमोसफेयर से ऊपर वाली वैल्यूज को अब मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है जिसमें कोई भी फ्लूड का फ्लो हो रहा है और मैंने वैक्यूम गेज लगाया हुआ है और वैक्यूम गेज मुझे रीडिंग जो दे रहा है वो दे रहा है थाउजेंड पासकल का अब ये वैक्यूम प्रेशर क्या है या तो वैक्यूम प्रेशर जो हम कहते हैं तीन प्रेशर है एप्सुलट प्रेशर गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर अब वैक्यूम प्रेशर क्या है ये थाउजेंड का मीनिंग क्या है सेम ग्राफ को यूज करते हैं ये थाउजेंड पासकल का मीनिंग ये है कि इसके अंदर प्रेशर उतना है जितना एटमोस्फियर से अगर मैं थाउजेंड पासकल नीचे जाऊं

कैलकुलेट कर लीजिए आपको मिलेगा पास्कल तो ये इसका फाइनल फॉर्म है अगर आपको वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है आपको एप्सोलूट चाहिए तो एटमॉस्फेर से उसको माइनस करके आपको ये मिल जाएगा आपको ये ग्राफ को हमेशा दिमाग में रखना है कभी भी ठीक है सो इसका मैं ओवरऑल अगर आपको समराइज करूं मान लीजिए मेरे पास एक चार्ट है ये एटमोस्फेयर की रेफरेंस लाइन है तो एप्सोल्यूट जीरो से एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका कितना बनता है ठीक है कोई प्रेशर अगर आपका मान लो एटमॉस्फेयर से ऊपर ये वाला रीड कर रहे हो तो इसको आप गेज प्रेशर से भी रीड कर सकते हो और एप्सोलूट से भी रीड कर सकते हो सिमिलरली एटमोस्फियर से कम कोई प्रेशर अगर रीड करना है मान लो ये वाला है तो इसको आप वैक्यूम प्रेशर से भी रीड कर सकते हो और एप्सोल्यूट से भी कर सकते हो एप्सोलूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी जीरो है जो कि एक्चुअल प्रेशर है बट एटमोस्फेयर को जब रेफरेंस मानते हैं तो वैक्यूम प्रेशर हम लोग वहाँ से नीचे आते हैं और कुछ नहीं तो वैक्यूम प्रेशर और कुछ भी नहीं कोई को बोलता है ना कि एक्स वाई जेड पाइप के अंदर वैक्यूम प्रेशर मेरा 50 पास कर है तो उसका मीनिंग क्या है प्रेशर क्या वैल्यू वैल्यू क्या होगी 50 पास्कल लोअर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर सिंपल और कोई बोलता है कि मेरा पाइप में गेज प्रेशर जो है हंड्रेड पासकल है मतलब क्या है प्रेशर उतना है एटमोस्फेयर से हंड्रेड पासकल ऊपर का प्रेशर है उतना दिमाग में रखना बस उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ही है सो आई होप एक क्वेश्चन पूछ के मैं इस सेशन को ऐड करूंगा इज इट ओके टू से दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज जीरो पास्कल गेज एटमोस्फेरिक प्रेशर को मैं जीरो पास्कल गेज प्रेशर बोल सकता हूं एटमोस्फियर प्रेशर का वैल्यू कुछ है वन जीरो वन थ्री फाइप पास पर जो कि एब्सोलूट है बट अगर एटमोस्फियर को रेफरेंस मानते हुए उसका प्रेशर मेजर करूंगा तो क्या आएगा जीरो पास का ही आएगा और कैन इट इज जीरो पास कल वैक्यूम प्रेशर और कैन से इट इज वन जीरो वन थ्री फाइव पास कर एब्सोलूट प्रेशर ये तीनों ही आंसर करेक्ट है एटमोस्फियर के लिए क्योंकि एटमोस्फियर का प्रेशर जो है वैक्यूम में जीरो पास कल वैक्यूम भी कह सकते हो जीरो पास कल गेज भी कह सकते हो और वनरो वन थ्रो फाइव पास का लब्सोलूट भी कह सकते हो ठीक है दैट्स इट वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू